सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। सदाचार से ही व्यक्ति महान बनता है। पाठ में सदाचार की बातें दी गई हैं। पढ़ो और अपनाओ। बच्चों, नई कक्षा में आपका स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान। आप सबका कल्याण हो। श्रीमान, अच्छा बालक बनने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं? रवि, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बच्चों, अच्छे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। अच्छे बच्चों से सभी बात करना पसंद करते हैं। झगड़ालू बच्चों से कोई भी मित्रता नहीं करता है। उनसे सभी दूर भागते हैं। श्रीमान, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है। उसका नाम राजू है। वह अपने से बड़ों को उनके नाम से पुकारता है, इसलिए वे उसे पसंद नहीं करते हैं। बच्चों, सुधीर ठीक कहता है। हमें अपने से बड़ों के साथ आदर एवं सम्मान से बात करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रीमान, हमें और क्या क्या करना चाहिए? प्रखर, अच्छे बालक सदाचार का पालन करते हैं। सदाचार किसे कहते हैं? प्रियंका, सदाचार का अर्थ है अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार। गांधी जी और नेहरू जी भी सदाचार से ही महान बने थे। यदि तुम भी महान बनना चाहते हो तो इन बातों को याद रखो। सदा सच और मीठा बोलना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। लालच कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे बच्चों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अपने चारों ओर सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सदा मन लगाकर पढ़ना चाहिए। दांतों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए। टेलीविजन अधिक नजदीक से नहीं देखना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। बच्चों, जो बालक इन बातों का ध्यान रखेंगे वे अच्छे बालक कहलाएंगे। धन्यवाद श्रीमान, हम सदाचार का मूल्य समझ गए। हम आज से ही सदाचार का पालन करेंगे। बच्चों, मुझे तुमसे यही आशा थी। सदाचार का पालन करके तुम एक दिन अवश्य ही महान बनोगे।